हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। आज के लेक्चर में हम देखेंगे स्टबल बर्निंग। अब आपको पता है अक्टूबर नवंबर आ रहा है, उसके बाद आपको देखने को मिलता है कि जो पैडी की फील्ड्स हैं वहां पर जो स्टबल बर्निंग की जो इफेक्ट्स हैं, चाहे फिर वो पंजाब में हो, हरियाणा में हो, उत्तर प्रदेश में हो, वहां पर आपको एक्सटेंसिवली देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है। तो ये न्यूज में क्यों था वहां से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद इसकी डिसएडवांटेजेस एज वेल एज एडवांटेजेस देखने की कोशिश करेंगे। उससे जाने से पहले आप कुछ हमारे फ्री इनिशिएटिव्स देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, डेली करंट अफेयर्स आपसे 10:15 डिस्कस किए जाते हैं। ऐसे जीके सेशन जो कि आपके वीडियो के लिए क्लर्क और एक्साइज के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज एट 3 PM। एप्टीट्यूड सेशन 6 PM। ऐसे ही करंट अफेयर्स इशू जो कि PCS के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, दैट इज एट 3 PM। एंड 10 MCQs रिविजन आपकी चलती है, दैट इज एट 9 PM। राइट, सो दिस इज द स्केड्यूल। आप यहाँ से अपने प्रिपरेशन को और भी अच्छा कर सकते हैं। So let's start, ये न्यूज में क्यों था वहां से स्टार्ट करेंगे। So recently the Delhi government has announced that it would spray Pusa bio decomposer free of cost over 5000 acres of paddy, which would help in controlling stubble burning and air pollution during winter. अब यहाँ पर क्या किया जाता है, देखिए जब भी हमारी पैडी लगी होती है तो पैडी को जब आप यील्ड करते हैं, उसको काटते हैं, तो यहाँ पर स्टबल्स रह जाते हैं। वो स्टबल्स रहने की वजह से, क्योंकि नेक्स्ट क्रॉप हमें वीट उगानी होती है, तो उसकी वजह से क्या है, ये स्टबल को क्या है, आपको बर्न करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपको एयर पोल्यूशन देखने को मिलता है। सो रिसेंटली पूसा ने क्या किया है, एक बायो डीकम्पोजर बनाया है। उस बायो डीकम्पोजर से क्या होगा, आपको इसको आग नहीं लगानी पड़ेगी, और जब आप इसको फील्ड में स्प्रे कर देंगे तो ये जो स्टबल है ये खुद ब खुद डीकम्पोज हो जाएगा। राइट, सो इसीलिए ये न्यूज में था, क्योंकि यहां से हम एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। दूसरी बात, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि पूसा ने जो बायो डीकम्पोजर बनाया है वो है क्या। सो इट इज अ फंगी बेस्ड लिक्विड सॉल्यूशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे पेपर में यही पूछ सकते हैं कि जो रिसेंटली पूसा ने बायो डीकम्पोजर बनाया है स्टबल बर्निंग के लिए, वहां पर कौन सा बेस्ड सॉल्यूशन यूज हो रहा है। तो यहां पर वो क्या करेंगे, फंगी की जगह क्या लिख देंगे, बैक्टीरिया लिख देंगे, जो कि गलत होगा। सो इट इज फंगी बेस्ड लिक्विड सॉल्यूशन, जिसको आप मिक्स कर सकते हैं विद द सॉइल, जिसकी वजह से जो स्टबल है वो स्टबल क्या हो जाएगी, डीकम्पोज हो जाएगी। सो ये जो फंगी है, इट थ्राइव्स एट 30 to 32 डिग्री सेल्सियस, विच इज द टेम्परेचर प्रिवेलिंग व्हेन पैडी इज हार्वेस्टेड एंड वीट इज सोन। सो उस टाइम 30 to 32 डिग्री टेम्परेचर रहता है, जिसकी वजह से ये जो फंगी है उस पर थ्राइव कर पाता है। अब ये करेगा क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट प्रोड्यूसेस एंजाइम्स टू डाइजेस्ट सेलुलोस, लिग्निन एंड पेक्टिन इन पैडी स्ट्रॉ। अब देखिए, आपको पैडी स्ट्रॉ में ये तीन चीजें देखने को मिलती हैं। सेलुलोस एक तरह से क्या है, जिसको आप सेल वॉल कहते हैं, जो भी प्लांट सेल्स होते हैं उनके ऊपर एक सेलुलोस की कवरिंग होती है। ऐसे ही आपको लिग्निन और पेक्टिन देखने को मिलता है। तो यहां पर क्या होगा, जब इसकी आउटर कवरिंग डीकम्पोज हो जाएगी तो हम कह सकते हैं कि वो प्लांट क्या हो जाएगा, डीकम्पोज हो जाएगा। राइट, सो यहाँ पर एंजाइम्स प्रोड्यूस करे जाएंगे जो एक्चुअली में डाइजेस्ट करेंगे किसको, सेलुलोज को, लिग्निन को और पेक्टिन को। अब ये डेवलप किसके द्वारा किया गया है, दैट इज आईकार, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। सो यहाँ पर जो पूसा का कैंपस है वहां पर ये बनाया गया है। अभी करेगा क्या, ये क्रॉप रेजिड्यू जो भी है, एनिमल वेस्ट, डंग एंड अदर वेस्ट इनटू ऑर्गेनिक मैन्योर। सो ये बायो डीकम्पोज करके इसको क्या आप कन्वर्ट कर देगा, ऑर्गेनिक मैन्योर में कन्वर्ट कर देगा। तो इससे दो चीजें होंगी, सबसे पहले एयर पोल्यूशन नहीं होगा, दूसरी बात क्या है, जब हम नेक्स्ट क्रॉप लगाएंगे, दैट इज वीट लगाएंगे, तो वीट में ये जो ऑर्गेनिक मैन्योर है उसको और भी ज्यादा हाई यील्ड देने की कोशिश करेगा। डन, सो ये एक इनएक्सपेंसिव और इफेक्टिव टेक्नोलॉजी है, जहां पर हम एक फंगी बेस्ड लिक्विड सॉल्यूशन को मिक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से जो स्टबल है वो डीकम्पोज हो जाता है। राइट, अगर बेनिफिट्स की बात करते हैं, देखिए ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये कन्वर्ट किस में कर रहा है, ऑर्गेनिक मैटर में, ऑर्गेनिक मैन्योर में, तो इसीलिए इट विल इम्प्रूव द फर्टिलिटी एंड द प्रोडक्टिविटी ऑफ द सॉइल। सो ये जो सॉइल की प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। दूसरा क्या है, एफिशिएंट और इफेक्टिव है, क्योंकि आपको क्या करना है, सिर्फ उस सॉल्यूशन को स्प्रे करना है स्टबल पे, ठीक है, तो एफिशिएंट भी है, इफेक्टिव भी है। ऐसे ही इट इज इको फ्रेंडली। इको फ्रेंडली का मतलब क्या होता है,
कि ऐसा सच ये एनवायरमेंट को डैमेज नहीं करेगा, जो कि हम स्टबल बर्निंग करके क्या करते हैं, एनवायरमेंट को डैमेज कर देते हैं। तो ये क्या है, इट इज इको फ्रेंडली सोल्यूशन, राइट। सो अगर हम स्टबल बर्निंग के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, वी रिमूव द पैडी क्रॉप रेजिड्यू फ्रॉम द फील्ड टू सो वीट। सो जनरली हम यहाँ पर कब करते हैं, दैट इज लास्ट वीक ऑफ सितंबर और नवंबर। सो स्टबल बर्निंग क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑन फायर द स्ट्रॉ स्टबल। जो स्ट्रॉ स्टबल आपको देखने को मिलती है उसको आप आग लगा देते हैं, उसको कहते हैं स्टबल बर्निंग, राइट। इसकी वजह से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है, अक्टूबर और नवंबर में जनरली किया जाता है इन द एरियाज ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। तभी आपको यहाँ पर नवंबर के एंड तक आपको क्या देखने को मिलता है, दैट इज स्मॉग इन दिल्ली। क्यों? क्योंकि मेजरली ये किसकी वजह से होता है, दैट इज स्टबल। अगेन यहाँ पर अगर हम कहेंगे कि सिर्फ एक ही रीजन है जिसकी वजह से दिल्ली में पॉल्यूशन होता है, तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे मल्टीपल रीजंस हैं कि दिल्ली में ही पॉल्यूशन इतना ज्यादा क्यों होता है, स्मॉग फॉर्मेशन क्यों होती है। स्टबल बर्निंग इज वन ऑफ द रीजंस, राइट। क्योंकि जो दिल्ली एनसीआर का रीजन है वहां पर आपको और भी इंडस्ट्रीज भी देखने को मिलती है, व्हीकुलर एमिशंस भी है, जिसकी वजह से आपको वहां पर स्मॉग होता हुआ दिखता है। ज्योग्राफिकल कंडीशंस भी ऐसी एग्जिस्ट करती हैं कि वहां पर आपको स्मॉग देखने को मिलता है। सो स्टबल बर्निंग पे ही हम सारा जोर नहीं दे सकते, स्टबल बर्निंग इज वन ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से आपको वहां पर एयर पोल्यूशन देखने को मिलता है, डन। अब इफेक्ट्स क्या है, देखिए सबसे पहले पोल्यूशन है, ऑब्वियस सी बात है, अगर स्टबल को बर्न किया जाएगा इट विल लीड टू पोल्यूशन। नेक्स्ट, सॉइल फर्टिलिटी, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप उसको आग लगा देंगे, जो टॉप सॉइल है, वो जो टॉप सॉइल है वहां पर आपको फर्टिलिटी डिक्रीज होती हुई दिखेगी। ऐसे ही अगर हम हीट पेनिट्रेशन की बात करते हैं, देखिए जब आग लगाई जाएगी तो जो धरती का टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर जाएगा। अगर वो इंक्रीज कर जाएगा, जो टॉप सॉइल है उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, जो उसमें माइक्रोब्स रह रहे थे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रह रहे थे, जो एक्चुअली में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे थे आपकी यील्ड को, तो उसकी वजह से, हीट पेनिट्रेशन की वजह से क्या होगा, वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डैमेज हो जाएंगे, वो मर जाएंगे, ठीक है जी। सो दीज आर दी इफेक्ट्स। अगर हम ऑल्टरनेटिव की बात करते हैं तो दो तरह के ऑल्टरनेटिव हैं, एक तो इनसिटू, एक एक्सिटू। देखिए इनसिटू का मतलब क्या होता है, जब आप कोई मशीन या फिर आप कोई अपरेटस यूज करके उसको वहीं पर डीकम्पोज कर देंगे, उनको बोला जाता है इनसिटू। एक्सिटू में क्या होता है कि आप इस राइस स्टॉक को कट करके क्या यूज कर सकते हैं, एज फॉडर। सो एक्सिटू का मतलब क्या है, साइट से अलग लेके जाना, राइट। अगर हम बायोडिकम्पोजर की अभी बात कर रहे हैं जो कि पूसा ने बनाया है, तो यहाँ पर इन सिटू ट्रीटमेंट है वो, ठीक है जी। ऐसे ही हम यूज ऑफ टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, जैसे हैप्पी सीडर, आपने सुना होगा पंजाब के एरियाज में तो काफी ज्यादा फेमस है, टर्बो हैप्पी सीडर मशीन है, जो एक्चुअली में क्या करती है, वो जो स्टबल है उसको अपरूट कर देती है, और जो नेक्स्ट आपकी क्रॉप है दैट इज वीट, उसकी भी सीड्स को सो कर देती है। तो ये क्या है, इट इज द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो हम यहाँ पर मशीन यूज करके क्या कर रहे हैं, स्टबल को फील्ड से अलग करने की कोशिश कर, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द ऑल्टरनेटिव्स। सो दिस वाज द होलिस्टिक कवरेज ऑफ स्टबल बर्निंग। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।